हाय, दिस इज NH ग्रीन फ्रॉम ग्रीन इंग्लिश। आज हम नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदले ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ समझ लेते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस किसे कहते हैं और हम कैसे पहचानेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज जो होते हैं वो सडन फीलिंग्स और इमोशन को दर्शाते हैं। तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को कह सकते हैं डैट एक्सप्रेसेज सडन फीलिंग और इमोशन। वो हमारे जो फीलिंग और इमोशन होते हैं वो पेन हो सकते हैं, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, शेम, जॉय, अप्लॉज और एडमिरेशन। और उनके लिए कुछ वर्ड्स के भी इस्तेमाल होते हैं, जिसे हम जैसे इंटरजेक्शन वर्ड्स के जो इस्तेमाल होते हैं। खुशी के लिए हम हुर्रा का इस्तेमाल करते हैं, प्रशंसा किसी की प्रेस करते हैं तो ब्रेवो बोलते हैं, कंटेम्प्ट के लिए हम फाई फाई या शेम शेम ऐसे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है हमने एक सेंटेंस लिख दिया है पहले से ही डायरेक्ट स्पीच में, और इसे हम पहचानते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क से पहचानते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क्स ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी होता है, लेकिन उसमें मे लगा हुआ होता है, वहाँ पे विश, ब्लेस, कर्स ऐसे जो है सेंस का बोध होता है। तो यहाँ एक सेंटेंस में हम ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम रिपोर्टिंग क्लोज कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। इसमें एक जो है इसमें ये जो सेंटेंस ये जो इस्तेमाल हुआ है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है। यहाँ पे इंट्रोजेक्शन वर्ड से हम इसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हमने बनाया है। तो यहाँ हम इसे जब चेंज करते हैं तो चेंज करने में हम सेड को एक्सक्लेम्ड में बदल देते हैं, ओके। और एक्सक्लेम्ड में बदलने के बाद रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो सेंस निकलता हो, जॉय का सेंस निकले, सौरव का या एंगर का, उस हिसाब से हम विथ के साथ उस वर्ड को लगाते हैं। जैसे अगर जॉय और डिलाइट का सेंस निकले, खुशी का सेंस निकले, तो उस कंडीशन में हम विथ डिलाइट या जॉय लगाएंगे। अगर सौरव का निकले तो उस कंडीशन में हम विथ सौरव लगाएंगे, सरप्राइज में विथ सरप्राइज, एंगर में विथ एंगर, हेट और कंटेम्प्ट में विथ कंटेम्प्ट, अप्लॉज में अप्लॉज और एडमिरेशन दोनों एक्सक्लेम्ड विथ के साथ हम लगा सकते हैं। यहाँ पर जो वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जॉय, सौरो, सरप्राइज, एंगर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे वर्ड्स नाउन हैं। अगर हम इन्हें डायरेक्ट यहाँ पे एडवर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सौरव की जगह हम सौरवफुली भी लगा सकते हैं या सैडली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सरप्राइज की जगह सरप्राइजिंगली, एंगर की जगह एंग्रली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे विथ नहीं होगा, डायरेक्ट एक्सक्लेम्ड एंग्रली हो सकता है या सरप्राइजिंगली, एक्सक्लेम्ड सरप्राइजिंगली हम इस्तेमाल करेंगे, जॉयफुली, डिलाइटफुली ऐसे जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारा है इसे हम एक्सक्लेम्ड में चेंज करेंगे, सेंस के हिसाब से विथ के साथ हम नाउन लगाएंगे। तो नाउन के साथ जो है हम विथ लगा रहे हैं, लेकिन जब हम एडवर्ब फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो विथ को हटा देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ सौरव की जगह एक्सक्लेम्ड सौरवफुली या सैडली या रिग्रेटफुली का हम इस्तेमाल करेंगे, ओके। अब चलते हैं, यहाँ पे एक चीज और हम देख लेते हैं, और इन्वर्टेड कॉमास हटा के हम यहाँ पे डैट का इस्तेमाल करते हैं। ओ आ ऐसे जितने भी वर्ड्स होते हैं इन सारे वर्ड्स को जो है हम हटा देते हैं, और यहाँ पर जो है जैसे आई एम रूंड है तो हम इसे अब जो चेंज करेंगे यहाँ के वर्ब यानी टेंस के हिसाब से हम चेंज करेंगे। तो यहाँ द मैन सेड की जगह हमारा जो हो जाएगा वह द मैन एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ सेंस रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ रहा है। ओह आई एम रोंड, यहाँ पे हमारा सेंस जो है सौरव का है, तो हम यहाँ पे सौरव या रिग्रेट विथ के साथ लगा सकते हैं। तो विथ सौरव डैट का इस्तेमाल करेंगे। आई जो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट द मैन है, द मैन यानी ही है, तो यहाँ पे ही में चेंज होगा। एम जो है वॉज में चेंज होगा और रोंड फुल स्टॉप। तो ये हमारा द मैन,
द मैन एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो डैट ही वॉज रूंड। ये हमारा जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में मेनली हम पांच पैटर्न के सेंटेंसेज देखेंगे, स्ट्रक्चर तो सबसे देखेंगे। पहला जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा वो इंटरजेक्शन वर्ड्स या फ्रेज रहेंगे, जैसे ओ, हुर्रा, अलास, इस तरह के वर्ड, या फ्रेजेज में वेल डन, लुक आउट, इस तरह के वर्ड्स रहेंगे। और कंप्लीट सेंटेंसेज, उसके बाद कंप्लीट सेंटेंसेज हमें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर देखने को मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट में देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं हुर्रा, यहाँ इंटरजेक्शन वर्ड्स है, यहाँ पे अलास इंटरजेक्शन वर्ड्स है, और उसके बाद जो है पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो इस कंडीशन में जो हम चेंज करते हैं सेट टू को एक्सक्लेम्ड, सेंस के हिसाब से हम विथ के साथ नाउन या डायरेक्ट हम एडवर्ब लगा सकते हैं, और वी हैव वोन द मैच या आई एम रूंड जो सेंटेंस है उस सेंटेंस को हम चेंज करते हैं, अगर टेंस चेंज करने की ज़रूरत हो, पर्सन को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर में हम इसे कर सकते हैं, द कैप्टन सेड टू मी हुर्रा, यहाँ पे जो है जॉय का सेंस है तो हम यहाँ पे जॉय लगाएंगे। तो द कैप्टन, ये का जो बनेगा द कैप्टन exclaimed with joy that लगाते हैं, we subject के हिसाब से change होता है, subject the captain है, तो the captain third person sense देता है, तो यहाँ पे we they में change होगा, have जो है had में change हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे reporting verb जो है past tense में है, won the match, okay। B में देखते हैं मोहन सेड अलास आई एम रूंड, यहाँ पे सौरव दुख है, तो exclaimed with sorrow, exclaimed sadly या exclaimed with regret, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोहन exclaimed with sorrow डैट लगाते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स को हम छोड़ देते हैं, आई आई सब्जेक्ट के हिसाब से मोहन तो ही में चेंज हो जाएगा, एम वॉज में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट टेंस में है और रूंड रूंड रहेगा। तो ये पहला जो है पैटर्न, दूसरी तरह के पैटर्न जो हमें देखने को मिलते हैं उसमें इंटरजेक्शन वर्ड्स या इंटरजेक्शन वर्ड्स के साथ जो है इनकम्प्लीट सेंस वाले, कुछ सेंस वाले सेंटेंस रह सकते हैं या सेंस रह सकता है। तो उस कंडीशन में जो है इनकम्प्लीट सेंस को हम कंप्लीट करते हैं, और जैसा पहले हम चेंज करते थे बिल्कुल वैसे चेंज करते हैं, इन्वर्टेड कॉमास के जगह पे हम डैट लगाते हैं, और ओ, आह, अलास ऐसे वर्ड्स को जो है हम हटा देते हैं, ओके। तो हम जैसे पहला जो है हमारा आई सेड ओह इनफ, तो ओह इनफ जो है ये इनकम्प्लीट सेंस है, इसे हम कम्प्लीट सेंस पहले बना देते हैं, तो ये हो जाएगा ओह इट इज इनफ, ओके। दूसरा जो सेंटेंस है शी सेड नॉनसेंस, तो नॉनसेंस चेंज होगा, तो ये हो जाएगा इट इज नॉनसेंस, ओके। थर्ड जो है The teacher said to the boys, well done. Well done को हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा you have done well, यहाँ पे ये सेंस निकलेगा, ओके। तो अब इसे हम चेंज करेंगे, तो I के साथ exclaimed लगाएंगे, देखेंगे अंदर सेंस क्या है, अंदर सेंस ओह enough, यानी आप disgust हैं, तो इस कंडीशन में हम डिसगस्ट लगाएंगे, तो विथ डिसगस्ट हो जाएगा, डैट लगाते हैं हम, ओ हट जाएगा, इट इज इनफ की जगह इट इज वॉज में चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है और इनफ इनफ रहेगा, ओके। दूसरा जो है सेंटेंस हम देखते हैं, शी सेड इट इज नॉनसेंस, तो शी एक्सक्लेम्ड, यहां पे भी डिसगस्ट है, विथ डिसगस्ट डैट इट वॉज
नॉनसेंस। ओके, तीसरा जो है द टीचर सेड टू द बॉयज वेल डन। यहां पे सेंस जो है प्रेज का सेंस है, अपलॉड का सेंस है, एडमिरेशन का सेंस है। तो उस कंडीशन में हम द टीचर एक्सक्लेम्ड लिखेंगे और एक्सक्लेम्ड के साथ हम जस्ट विथ लगाते हुए यहां पे अप्लॉज या एडमिरेशन, फिर डैट का हम इस्तेमाल करते हैं, डैट का इस्तेमाल करेंगे, यू चेंज होगा बॉयज के हिसाब से, तो ये हो जाएगा दे हैव हैड, हो जाएगा डन विल। तो ये जो है हमारा तीसरा दूसरा पैटर्न जो है हम ऐसा देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में तीसरा पैटर्न जो हमें देखने को मिलता है वो सिर्फ इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, तो उन्हें चेंज करने का जो है एक तरीका जो है वो हम इस पे बात करते हैं। जैसे सेंटेंस मिल सकते हैं ही सेड गुड, एक्सीलेंट, स्प्लेंडिड, मार्वेलस। यहाँ पे जो है ये सारे इंटरजेक्शन सिर्फ वर्ड्स आए हुए हैं। ओके, और ये सारे वर्ड्स जो हैं ये पॉजिटिव सेंस में हैं। ओके, बी में हम देखते हैं शी सेड ओह अ फाई। तो यहाँ पे ओह अ फाई जो है वर्ड्स, ये वर्ड्स डिसगस्ट के सेंस में सारे आए हुए हैं। तो जब इसे हम चेंज करते हैं, गुड, एक्सीलेंट और स्प्लेंडिड, मार्वेलस, ये सारे जॉय और डिलाइट के सेंस में आए हैं, और ओह अ फाई ये जो है डिसगस्ट या कंटेम्प्ट के सेंस में आए हैं। तो इसे हम जब चेंज करते हैं, तो इसे हम चेंज करते वक्त जैसे ही सेड है तो यहाँ पे हम ही गेव लगा देते हैं, और एन एक्सक्लेमेशन ऑफ, ये सारे वर्ड्स जो है जॉय या डिलाइट को बता रहे हैं, तो हम यहाँ पे जॉय या डिलाइट लिख देंगे। सेम एज बी में जो है शी लगाएंगे, गेव एन एक्सक्लेमेशन ऑफ, ओह अ फाई जो है ये कंटेम्प्ट या डिसगस्ट है, तो यहाँ पे हम डिसगस्ट और कंटेम्प्ट जो है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में चौथा जो पैटर्न हमें देखने को मिलता है, इसमें हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड को हम रिपोर्टिंग वर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं, और दूसरा कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब में जो है उसके सेंस के हिसाब से वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं, दूसरा वर्ड्स एक्सक्लेम्ड के अलावा। तो यहाँ पे जैसे पहला हमने सेंटेंस लिखा है डायरेक्ट स्पीच में, ही सेड टू अस वेलकम, तो यहाँ पर वेलकम जो इस्तेमाल हुआ है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो है रिपोर्टिंग वर्ब में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए नंबर ही वेलकम्ड, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस से सेड टू, तो वेलकम्ड अस। बी नंबर में हम देखते हैं ही सेड टू मी थैंक यू, तो थैंक जो है ये थैंक्ड में यहां पे चेंज हो जाएगा, तो ही थैंक्ड मी हो जाएगा। ओके, सेम एज ही टोल्ड मी गुड मॉर्निंग गुड लक, तो यहां जो है गुड मॉर्निंग और गुड लक जो है हम विश करते हैं, तो टोल्ड मी जो है ये विश में चेंज हो जाएगा, तो ही विश्ड Me, good morning या good luck, okay. D number देखते हैं, He said to me, happy Diwali, happy birthday, तो यहाँ भी wish किया जा रहा है, तो इस condition में यहाँ पे हम said to को wish में change कर देंगे, wished me, यहाँ पे हैप्पी दिवाली, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे जब भी वर्ड्स आए तो वहाँ पे ए का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। ही विश्ड मी अ हैप्पी दिवाली, अ हैप्पी दिवाली, ओके, या अ हैप्पी बर्थडे, यहाँ पे हम ऐसे इसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, ई नंबर हम देखते हैं, ई नंबर जो है ही टोल्ड मी कॉन्ग्रेचुलेशन, तो सेम एज
थैंक वेलकम की तरह यहाँ पे हम इसे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी हो जाएगा। इफ शी टोल्ड टू मी, शी सेड टू मी गुड बाय गुड नाइट। तो यहाँ पे जो है हम गुड बाय या गुड नाइट कर रहे हैं, तो इस सेंस में हम बेड का इस्तेमाल करते हैं। तो शी बेड मी गुड बाय या गुड नाइट का हम इस्तेमाल कर देंगे ऐसे। तो इसे हम ऐसे यहाँ पे बदलेंगे। जी में हम देख रहे हैं ही टोल्ड मी फुल लायर। यहाँ जो सेंस है कहने का सेंस है, तो इस कंडीशन में जो है हम यहाँ पे जो है कॉल का इस्तेमाल करेंगे। तो ही कॉल्ड मी ऑफुल एंड लायर। ओके, एच में ही सेड हेलो वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का इंट्रोजेक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है। तो हेलो यहाँ पे सेंस के हिसाब से रिपोर्टिंग वर्ब डालेंगे और इसका रिपोर्टिंग वर्ब हम आस्क डालेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ही हेलो में ग्रीटेड, ही ग्रीटेड एंड वेयर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम आस्क लगाते हैं। तो आस्क्ड उसके बाद डैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हाँ डब्ल्यू एच वर्ड्स को हम ऐसे रखते हैं, तो वेयर वैसे ही आ जाएगा। इसे असर्टिव में चेंज करते हैं, स्टेटमेंट में चेंज करते हैं, तो ये यू आर गोइंग होगा। यू जो है ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसे हम आई में चेंज कर सकते हैं। तो आई में चेंज कर देंगे, आई वॉज गोइंग हो जाएगा। ओके, आई नंबर देखते हैं, आई है ही सेड हेल्प हेल्प। तो यहाँ पे हेल्प हेल्प जब हम चिल्लाते हैं तो उस कंडीशन में हम शाउट का इस्तेमाल कर देंगे, ही शाउटेड फॉर हेल्प। ओके, जे नंबर देखते हैं, रघु सेड टू मी लुक आउट देयर इज अ स्नेक। तो इस कंडीशन में लुक आउट यहाँ पे वार्निंग दी जा रही है, तो हम वार्न का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा रघु वार्न्ड मी डैट देयर वॉज अ स्नेक। ओके, तो ये जो है हमारा ये चौथा पैटर्न था। पांचवा पैटर्न जो हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का देखने को मिलता है वह यह होता है कि हाउ और व्हाट से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शुरू होते हैं, और ये जो होते हैं इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में रहते हैं। तो इसमें हम तीन तरह के जो है सेंटेंस इसमें देख सकते हैं। पहला जिसमें व्हाट के साथ नाउन का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे व्हाट अ फूल, व्हाट अ प्लेस, तो इसे हम क्या करते हैं कि एडजेक्टिव अ प्लस नाउन कर देते हैं, यानी वर्ड को हटा देते हैं और उसकी जगह एडजेक्टिव एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम व्हाट अ फूल की जगह हम अ बिग अ ग्रेट फूल हम जोड़ देते हैं, यानी बिग और ग्रेट जोड़ देते हैं। व्हाट अ प्लेस की जगह प्लेस जो है स्ट्रेंज प्लेस या लवली प्लेस, ऐसे हम वर्ड्स को जो है जोड़ते हैं व्हाट को हटाकर। दूसरे जो सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे व्हाट एडजेक्टिव प्लस नाउन, जिसमें व्हाट अ फाइन प्लेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। तो इसमें हम क्या करते हैं कि व्हाट को हटाते हैं और जैसे अ फाइन प्लेस, तो यहाँ पे एडजेक्टिव और नाउन के पहले हम वर्ब वेरी का सिर्फ इस्तेमाल कर देते हैं, तो अ वेरी फाइन प्लेस, अ वेरी ब्यूटीफुल साइट हो जाएगा। तीसरा जो हमें सेंटेंसेस में देखने को मिलेगा वो हाउ एडजेक्टिव और एडवर्ब रहेगा, जैसे हाउ विल, हाउ ब्यूटीफुल, ही प्लेज, शी इज, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं हाउ को हम हटा देते हैं और वहाँ पे हम वेरी का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हाउ विल ही प्लेज, तो यहाँ जो है हाउ हट जाएगा, ही प्लेज विल होगा, ही प्लेज विल की जगह वेरी लगाएंगे हाउ की जगह, तो ही प्लेज वेरी विल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी इज वेरी ब्यूटीफुल इसे कर देंगे। अब हम एग्जांपल देखते हैं।
आई सेड वॉट अ फाइन प्लेस इट इज। यहाँ पे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शुरू हो रहे हैं वह वॉट से शुरू हो रहे हैं और हाउ से शुरू हो रहे हैं। यहाँ वॉट के बाद जो है ये एडजेक्टिव है और फिर उसके बाद नाउन है, ओके। और यहाँ पे जो है हाउ के बाद हमारा एडजेक्टिव है, ओके। तो जब इस तरह के सेंटेंसेस हमें मिलते हैं तो उस कंडीशन में हम व्हाट और हाउ को चेंज कर देते हैं वेरी में, और इसे जो है ये सेंटेंस, जैसे यहाँ पे इट इज रह भी सकता था, अगर नहीं रहे तो उसे कंप्लीट करना होगा सेंस को और इट इज हमें लगाना होगा। इसे हम असर्टिव में बदलेंगे तो इट इज अ फाइन प्लेस होगा, व्हाट की जगह वेरी लग जाएगा जो एडजेक्टिव के पहले लगेगा, तो इट इज अ वेरी फाइन प्लेस। सेम एज यहाँ पे द नाइट इज डार्क होगा, हाउ की जगह वेरी लगेगा तो वेरी डार्क हो जाएगा, तो इसे हम चेंज करते हैं। तो आई एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, पहले सेंटेंस में जॉय का सेंस आ रहा है तो विथ जॉय करेंगे, डैट लगाएंगे, ओके। इट इज अ वेरी फाइन प्लेस है, तो यह इट वॉज अ वेरी फाइन प्लेस हो जाएगा, ओके। बी को चेंज करेंगे, ही सेड हाउ डार्क द नाइट इज, यहां पे सरप्राइज का सेंस है तो ही सरप्राइज विथ, सॉरी ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज डैट द नाइट वॉज वेरी डार्क। तो ये पांचों पैटर्न जो है हमारे खत्म हो चुके हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में मोस्टली और मेनली इसी पांच पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। अब इसे हम एक बार जो है समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है सर्टेन फीलिंग को शो करता है, एक्सप्रेस करता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज जो होते हैं उन्हें जब हम चेंज करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंस से हम चेंज करते हैं, ओके। और इसमें पांच पैटर्न के सेंटेंसेज हम देखते हैं। पहला जो पैटर्न हमने सीखा था जिसमें सबसे पहले जो है इंटरजेक्शन वर्ड्स के साथ कंप्लीट सेंटेंस हो सकता था, दूसरा इंटरजेक्शन सिर्फ रहता या इनकम्प्लीट सेंटेंसेज या इनकम्प्लीट सेंस रह सकते थे, और तीसरा जो पैटर्न था वो सिर्फ इंटरजेक्शन वर्ड्स था, चौथा जो पैटर्न था उसमें जिसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच वर्ड से चेंज कर देते थे उसके वर्ब को, या सेंस के हिसाब से हम वर्ब ऐड करते थे, और पांचवा हमारा पैटर्न हाउ व्हाट से शुरू होने वाले इंटरजेक्शन वर्ड्स थे। तो मैं होप करता हूँ कि ये वीडियो काफ़ी अच्छी रही होगी और काफ़ी आपको मदद पहुँचाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।